हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार शेयर के ऊपर। पॉलिसी बाजार के शेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे के लेवल से इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक ने आपको लिस्ट हुआ था यहाँ पे 1150 के लेवल पे, उसके बाद इस स्टॉक ने हाई लगाया 1470 का, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिला और इस स्टॉक ने आपको लो लगाया है 356 रुपीज का नवंबर मंथ में। उसके बाद से अगर बात करेंगे तो नीचे के लेवल पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया, डबल बॉटम पैटर्न बनाया। यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है आपको एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अगेन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया और उसके बाद स्टॉक ने वापस से ब्रेकआउट दिया है। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे बात करेंगे तो मंथली बेसिस पे भी फरवरी मंथ में स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद स्टॉक में हम लोगों को एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और इस वीक में उसका कंटिन्यूएशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे पॉलिसी बाजार के शेयर में जो है एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। यहाँ पे जो है आपका ऊपर की साइड, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री हम लोग ले सकते हैं। डाउन साइड में जो आपका रिस्क होना चाहिए वो होना चाहिए रिसेंट लो, तो 356 का आपका एसएल रहेगा, 240 पॉइंट का आपका क्लियर कट यहाँ पे जो है एसएल होने वाला है। टारगेट ऊपर की साइड जो है आपको सेम टारगेट रखना है, ऊपर की साइड में जो है आपको टारगेट भी बड़ा रखना है। पहला टारगेट जो आपका यहाँ पे होगा वो होगा 850 का और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे 1000 और 1100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जो एसएल काफ़ी बड़ा है तो फिर आप डेली चार्ट में भी स्विच कर सकते हैं और डेली चार्ट के बेसिस पे जो है आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्विंग लो, जो है आप यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली जो है आपको एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जो है आप अपना एसएल को प्लेस करके और यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपको करना है पहले अपने लॉस को जरूर डिफाइन कर लीजिए, नहीं तो आप एंट्री ले लेंगे और उसके बाद लॉस होगा तो फिर जो है आप वहाँ पे वेट करेंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा तो आप एग्जिट करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने लॉस को कैलकुलेट जरूर करना है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।